Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope that you all are doing great. So welcome to my channel. This is Shomi's World and अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से follow कर रहे हो, thank you so much मुझे follow करने के लिए. And जो लोग मुझे अभी तक follow नहीं करते हो, please guys आप लोग मेरे channel को subscribe कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का subscription मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है. So please don't forget that subscribe button and that bell button also which is right next to it. So I hope today's video will be helpful for you, क्योंकि आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है. सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. वीडियो पे कुछ बोलने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को कोई भी बैकग्राउंड नॉइजेस आ रहे हैं, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. आज थोड़ा प्रॉब्लम है. सो ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है एक प्रोडक्ट रिव्यू, एंड वो है एक फाउंडेशन जो कि है फ्रॉम मेकअप स्टूडियो. आप लोगों ने शायद ही नाम सुना होगा. जो लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको पता होगा, या फिर जिन लोगों ने मेकअप कोर्स किया हुआ है उनको पता होगा कि मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने शायद यूज़ करा भी है. अगर आप लोगों में से कोई इसको यूज़ करा है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट पे बताइएगा. मुझे जान के अच्छा लगेगा कि आप लोग को भी यू नो आप लोगों का एक्सपीरियंस मुझे जानना है. सो ओके, सो आज के इस वीडियो पे मैं बताने वाली हूँ कि मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन जो कि एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में. सो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसकी पैकेजिंग के बारे में. सो आप देख सकते हैं इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस टाइप की है, एंड विच इज़ सो क्यूट, बहुत ही क्यूट दिख रही है इसकी जो पैकेजिंग है, एंड आई जस्ट इन लव विद दिस प्रोडक्ट. रिसेंटली ही मैंने अपना मेकअप कोर्स कंप्लीट करा हुआ है, एंड फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया है. इससे पहले ना कभी मैंने नाम सुना था. हाँ, नाम थोड़ा बहुत सुना ही था, बट मैंने कभी उसको यू नो यूज़ नहीं किया था. बट आफ्टर यूजिंग इट आई एम सो सेटिस्फाइड, क्योंकि ये एक ऐसा फाउंडेशन है जो आप बहुत ही यू नो अफोर्डेबल रेंज पे आप इसको यूज़ कर सकते हो. आप इससे कुछ भी कर सकते हो. उसकी जो पैकेजिंग है उसके नीचे ही उसका जो शेड नंबर है वो दिया हुआ रहता है, एंड अगर आप चाहो तो इसको रेगुलर 2 to 3 years इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो. उसके बाद इसका जो डेट है एक्सपायर हो जाता है. मैंने मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन जो है वो ख़रीदा है कुछ ही महीने पहले, एंड आई एम यूजिंग इट स्टिल नाउ. एंड मैं कहूँगी कि लाइक मैंने जब इसको लिया था, मैंने इसका डेट पहले देख लिया था कि कैसा डेट है इसका, मतलब कहाँ से कब तक आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो मैंने इसमें देखा था 2023 तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली, एंड विच इज़ यू नो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो विच इज़ रियली नाइस. तो अब हम कुछ बात कर लेते हैं फाउंडेशन के बारे में. फाउंडेशन जो है बहुत ही ज़्यादा आपको फ्लॉलेस बेस देगा, मतलब आपको इतना सारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको बस थोड़ा सा ही लेना है, एंड आपके पूरा जो बेस मेकअप है बिल्कुल फ्लॉलेस दिखेगा. क्योंकि मैं इसको खुद यूज़ कर रही हूँ बहुत दिनों से, एंड मेरा फेवरेट बन चुका है. क्योंकि हाँ, थोड़ा कॉस्टली है मैं कह सकती हूँ. हाँ, अफोर्डेबल उन लोगों के लिए है जिन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते उनके लिए मैं कहूँगी हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट डोंट वरी, आप इसको एक बार पैसा खर्च करके ख़रीद सकते हो, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि आप कितने दिनों तक चला रहे हो. एंड एक और चीज़ इसकी मुझे अच्छी लगी वो है ये है कि अगर आप के फेस पे कोई एक्ने दाग है, कोई स्पॉट्स है, तो इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आपके पूरे स्किन के प्रॉब्लम को हाइड कर देता है. एंड मैंने कई बार ब्राइड्स को सजाया भी है, मतलब ब्राइड मतलब आते रहते हैं मेरे पास, तो उनको मैंने मेकअप स्टूडियो से उनको ना हमेशा मतलब एक्सपेंसिव, लोगों को लगता है कि एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करने से ही आपको मतलब सिर्फ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है. जब मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप अगर मेरे सजेशन पे अगर मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन यूज़ करोगे तो आप एक बार कर सकते हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है, आप जब बोल रही हो तो वाई नॉट. उसके बाद मैंने मेकअप स्टूडियो से उनका मेकअप फुल मेकअप किया. अगर आप चाहो तो मैं उसका पिक्स भी दे दूँगी अगर मेरे पास रहे तो, बट आई डोंट थिंक कि मेरे पास है. बट उसके बाद जब उन्होंने रिजल्ट देखा, उनको बहुत पसंद आया, एंड उन्होंने कहा कि थैंक गॉड मैंने मैक का नहीं किया, क्योंकि मैक ऑफकोर्स अच्छा है, या फिर अदर ब्रांड्स भी बहुत अच्छे हैं, बट
जिन लोगों को अच्छा मेकअप चाहिए बट अफोर्डेबल रेंज पे हो, तो मैं कहूँगी आप लोग प्लीज़ मेकअप स्टूडियो ही यूज़ कीजिए। आप जब पहली बार देखोगे उस फाउंडेशन को तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा यू नो जमा हुआ है एक जगह पे, बट जब आप उसको ब्रश पे लोगे एंड जब अपने फेस पे अप्लाई करोगे एंड बहुत स्मूथ बटरी सॉफ्ट है, आप बहुत ही अच्छे से उसको ब्लेंड कर सकते हो। बिल्कुल क्रीम बेस्ड है, फॉर ऑल स्किन टाइप है, आप कोई भी स्किन टाइप वाले हो आपके लिए बिल्कुल ज़्यादा परफेक्ट है। ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट ये मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन ही यूज़ करते हैं एंड मैं कहूँगी मैं खुद भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड मुझे लगता है कि मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन एक कम रेंज में, मतलब ठीक ठाक रेंज में आपको एक अच्छा फ्लॉलेस देने वाला फाउंडेशन ज़रूर है, लेकिन हर एक चीज़ लिमिट पे ही सही है। अगर आपने उसको यू नो बहुत ज़्यादा लेके अपने फेस पे लगा लिया तो ऑब्वियसली आपका जो बेस मेकअप है बहुत कीकी दिखेगा एंड अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा प्रोडक्ट उतना ही यूज़ कीजिए जितना आपको ज़रूरत हो। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन जो है वो हर एक स्टोर पे अवेलेबल नहीं होते हैं, या तो अगर आपके जान पहचान पे कोई सेलर्स हैं उनसे आप ले सकते हो, लेकिन इनका जो मतलब असली स्टोर है वो है दिल्ली में और डिलीवरी होता है, बट हाँ चार्जेस थोड़े अप डाउन शायद हो सकते हैं, बट मेरा सेलर्स हैं बहुत सारे तो उन लोगों से मैं मंगवाती हूँ, सो मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ, बट हो सकता है बाद में। सो या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब मुझे स्केची लगी वो ये है कि आप इसको 24 आवर्स के लिए ये स्टे कर सकता है, मतलब जब तक आप इसको पानी से नहीं धोगे तो वो नहीं जाने वाला एंड विच इज़ अमेजिंग। इवन मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन इतना ज़्यादा अच्छा है कि ब्राइड्स पे भी ये यूज़ किया जाता है, मतलब ब्राइड्स पे ही ये यूज़ किया हुआ जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा अब भी कह रही हूँ कि मैंने खुद कई सारे ब्राइड्स को सजाए हैं एंड उन पे मैंने मेकअप स्टूडियो का ही फाउंडेशन यूज़ किया है एंड वो बहुत खुश हुए एंड दे आर सेटिस्फाइड। मैं कहूँगी अगर आपको ओकेजन्स या कोई शादी के लिए फाउंडेशन लेना है, मतलब फ्लॉलेस लुक के लिए, तो मैं कहूँगी आप लोग प्लीज़ मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन ही ले लीजिए, क्योंकि उसका जो यू नो फिनिशिंग, मतलब एक होता है ना कि ग्लोइंग, हम सब चाहते हैं कि कोई भी मेकअप हम करें उस पर एक ग्लो हो, एक नेचुरल सा ग्लो हो, जो कि मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन पे आपको मिल जाएगा। तो अभी आप लोग मुझसे बहुत जन पूछोगे कि कौन कौन सा शेड ले, देखिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं कभी शेड नेम याद नहीं रखती, सो मैं हमेशा आपको कहूँगी कि आप डार्क शेड रखिए, एकदम डार्क वाला शेड, और एक एकदम लाइट वाला शेड, जिनका जैसा स्किन टोन है आप उसी के हिसाब से दोनों को मिक्स कीजिए, उसके स्किन के हिसाब से आप लगाइए। एंड टी जोन जब आप हाईलाइट करोगे तो उससे एक शेड लाइटर होगा। सो या अगर आप प्राइस रेंज की बात करें तो मैं कहूँगी इसका जो प्राइस रेंज है वो है 3000 एंड अगर यू नो अगर आप चाहते हो कि यू नो फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं कहूँगी आप मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन पे ज़रूर एक बार इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने कहा कि मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन के साथ मैं एक मेकअप लुक क्रिएट करूँ तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं करूँ या ना करूँ, सो आप लोगों को भी पता चल जाए कि इसका यू नो कैसा है क्या नहीं है, कैसा इसका आता है लुक। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहाँ पे सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा एंड मुझे कमेंट पे बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे मेकअप स्टूडियो से किया हुआ मेकअप देखना है या नहीं, तो मैं ज़रूर मेरे नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के लिए एक मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। ओके, सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।